हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 फीट बाई 56 फीट के प्लान के बारे में, जो कि आपका एक नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे इसका ग्राउंड फ्लोर के बारे में, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में मेन गेट से एंट्री दी हुई है, फ्रंट ओपनिंग यहाँ पे छोड़ी हुई है, और यहाँ पे बोरवेल जो लगाया है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। उसके बाद यहाँ से गैलरी दी हुई है 5 फीट की, जहां से लॉबी के थ्रू आप अंदर एंट्री कर सकते हैं, जो 11 फीट 3 इंच बाई 25 फीट की आपकी एक लॉबी है। यहीं से एक बेडरूम दिया हुआ है जो 11 फीट 3 इंच बाई 10 फीट का है। यहीं पे आप स्टडी रूम भी एज ए स्टडी रूम भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक ड्राइंग रूम है, एक एंट्री ड्राइंग रूम के थ्रू भी है, जो 12 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 6 इंच का यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम है। यहाँ से भी आप अंदर की तरफ लॉबी की तरफ एंट्री कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम गिवन है 12 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का अकॉर्डिंग टू वास्तु, और इसी से एक लैटरिन बाथरूम आपका अटैच दिया हुआ है, जो वॉशरूम आपका। उसके बाद पूजा रूम की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में दी गई है, 5 फीट बाई 7 फीट का आपका पूजा रूम है, और यहाँ पे ओपनिंग दी गई है एक 8 फीट 6 इंच बाई 8 फीट की। सामने साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन का प्रोविजन है अकॉर्डिंग टू वास्तु, 7 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का। और जो स्टेयर्स लगाई गई है वो साउथ डायरेक्शन में है, और यहीं पे इसका एक कॉमन वॉशरूम बनाया गया है 6 फीट बाई 6 फीट के अराउंड। तो ये तो हुई ग्राउंड फ्लोर की बात। जैसे स्टेयर से आप ऊपर यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट लॉबी का एरिया और बीच में ओपनिंग छोड़ी गई है, ताकि आप यहाँ पे ग्रिल्स लगा पाए या रेलिंग्स लगा पाए। सेम ओपनिंग किचन ऊपर बनाई गई है, मास्टर बेडरूम बेडरूम, और यहाँ पे जो बेडरूम था नीचे उसको भी एज ए बेडरूम आप ऊपर यूज कर सकते हैं। और यहाँ से बाहर की तरफ एंट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर इस तरीके से आप आ सकते हैं और इसका 3D इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये था आपका 31 फीट बाई 56 फीट के प्लान। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। We'll be right back.